अगर आप में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो शारीरिक कमजोरी आपके लिए बाधा नहीं बन सकती है। ऐसा एक अनूठा उदाहरण शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सेगावा में एक शिक्षक ने पेश किया है। सेगावा विकास खंड के संकुल केंद्र गोलवाड़ी के अंतर्गत बालक प्राथमिक विद्यालय में पिछले 12 वर्षों से एक दृष्टि बाधित शिक्षक सेवकराम मंडलोई, जो जन्म से कुछ देख नहीं सकते, लेकिन आज भी प्राथमिक विद्यालय में अध्ययन कराकर 31 बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और इस विद्यालय का परिणाम भी 100% रहता है। और एक विशेष बात यह है कि उनकी धर्मपत्नी भी जन्म से ही दृष्टि बाधित है, खरगोन औरंगपुरा स्कूल में शिक्षक है। शिक्षक सेवकराम मंडलोई ने बताया कि वह कभी भी अपने अंधत्व के कारण निराश नहीं हुए। वह आज भी आसानी से मोबाइल चला लेते हैं और अपने मोबाइल पर ही सार्थक ऐप पर खुद अपनी हाजिर लगाते हैं। ऐसे जज्बे को शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर SW24 न्यूज़ सलाम करता है। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। सर, आप कब से कार्यरत हैं यहाँ पे? सर, मैं यहाँ पे 2009 से कार्यरत हूँ। अच्छा, तो बच्चों को जैसे सर आपको तो दिखता नहीं है, तो फिर बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं? सर, मैं मौखिक बच्चों को पढ़ाता हूँ, हिंदी, पहाड़े। अच्छा, मौखिक जानकारी। क्या और कोई और किसी दूसरी माध्यम से भी पढ़ाते हो जैसे सर, आपके पास? तो बड़े बच्चों के लिए जैसे शुद्ध लेखन कराने के लिए मेरे पास ब्रेल किताबें भी उपलब्ध है। हाँ, तो ब्रेल किताब के माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ा सकता हूँ और शुद्ध लेखन करवाता हूँ। अच्छा, आपको आने में कोई प्रॉब्लम होती है क्या यहाँ तक आते हो तो? आने में प्रॉब्लम तो ऐसे होती है, पर सर पहुँच जाते हो स्कूल, तारा लेके? हाँ, आ जाता हूँ। चलो ठीक सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सर सेवकराम मंडल। ठीक है, धन्यवाद सर।